मीनू कृषि कानून की वापसी में हुई देरी के लिए जनता जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दुर्गा चौटाला ने खेद प्रकट किया है। हालांकि उन्होंने खुशी भी जाहिर की है, किसानों की मांग पूरी हुई और अब कृषि कानून पर फैसला हो चुका है। लोकसभा राज्यसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया। हरियाणा सरकार ने साझेदार जेजेपी के प्रधान महासचिव दुर्गा चौटाला ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय को लेकर केंद्र से बात करेंगे और अगर वहां बात नहीं बनती है तो भी हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस होंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की मांग भी की। अगले महीने की 9 तारीख को झज्जर में जेजेपी की ओर से पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जन सरोकार रैली आयोजित की जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी के नेताओं को उनके गृह क्षेत्र सिरसा में ही लोगों की ओर से घुसने नहीं दिया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने कहा कि अब इस पार्टी के नेता बाहरी क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के दिलों में जगह बनाने में सफल नहीं होंगे। संसद में कृषि कानून की वापसी पर बीजेपी के सार्वजनिक उपक्रम के चेयरमैन और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि औपचारिक तौर पर कृषि कानून वापस हो गए, इसलिए किसानों को अपना आंदोलन वापस लेना चाहिए। सुभाष बराला ने कहा कि किसानों ने ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों की जो मांगे हैं भविष्य में उनका समाधान किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने पर कैबिनेट मंत्री चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। चौधरी रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अब किसानों को भी दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन को खत्म कर अपने घरों को लौट जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द ही एमएसपी पर कमेटी का गठन भी करेगी। जेजेपी कार्यकर्ताओं की कैनाल विश्राम गृह बाढ़ा में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जेजेपी जिला प्रधान नरेश ने की। बैठक में कार्यकर्ताओं को 9 दिसंबर की झज्जर में होने वाली जेजेपी की जन सरोकार रैली की तैयारियों के लिए कर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। जेजेपी जिला प्रधान ने बताया है कि 2 दिसंबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, चरखी दादरी पहुंचेंगे। उन्होंने झज्जर रैली ऐतिहासिक होने का दावा किया और कहा कि गांव में रैली के प्रति काफी उत्साह नजर आ रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इसमें किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर बात नहीं हुई। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से अपील की है कि अब जब कृषि कानून की वापसी हो चुकी है तो किसानों को भी धरना खत्म कर देना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने जींद व्यापारी हत्याकांड मामले में बयान दिया। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार और प्रशासन दोनों नतमस्तक हैं। इसके अलावा सुरजेवाला ने जींद व्यापारी हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह एएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने को कहा और मुख्य आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए साथ ही अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित करने की मांग की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में हरियाणा मेडिकल काउंसिल के तत्वाधान में आयोजित डॉक्टर्स डे अवार्ड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 75 साल से अधिक आयु के 90 डॉक्टर को वट वृक्ष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मान पाने वालों में सबसे अधिक 92 साल के सिरसा के डॉक्टर आरएस सांगवान भी शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने कृषि कानून वापसी और भर्ती घोटाले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशान साधा। हुड्डा ने कानून वापसी को लेकर कहा है कि देर आए पर दुरुस्त आए। नेता प्रतिपक्ष भूपेश सिंह हुड्डा ने सरकार को जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाले को लेकर ऐसा लगता है कि राज्य में नौकरियों का रेट लगा हुआ है।
फरीदाबाद के सचिवालय में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार समृद्धि उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और साथ ही फरीदाबाद के तमाम विधायक जिला उपायुक्त भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर मूलचंद शर्मा ने रिबन काटकर इस मेले का आगाज किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाना सरकार का कर्तव्य है। साथ ही तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने बताया कि अंत्योदय परिवार समृद्धि उत्थान योजना के तहत इस मेले का आयोजन किया गया है। रेवाड़ी में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिले के सभी खंडों में अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। बाबा नगर पालिका परिसर में दो दिवसीय अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने किया। दो दिवसीय मेले के पहले दिन 464 और दूसरे दिन 350 योग्य लाभार्थियों को अलग अलग समय के अनुसार मेले में बुलाया गया। मेले का समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का रखा गया। सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने बताया कि इन मेलों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों को संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। गोहाना में तीन दिवसीय अंत्योदय स्वराज मेले की शुरुआत हुई। गोहाना एसडीएम ने रिबन काटकर ये शुरुआत की। 1,281 परिवारों को अंत्योदय स्कीम के तहत लाभ मिलेगा। अलग अलग विभागों की तरफ से 18 स्टॉल लगाई गई। चरखी दादी जिले के गांव मीमड़ बड़ेसा में अटल भूजल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया गया। अटल भूजल योजना के तहत किसानों को कम पानी लागत वाली फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया गया। पुराने तौर तरीके से करते आ रहे खेती को आधुनिक तरीके से करने के लिए भी जागरूक किया गया। इसके तहत किसानों को ड्रिप सिस्टम सिंचाई तकनीक को अपनाना चाहिए। किसानों को अपनी खेती या फिर घरों में वर्षा जल संग्रहण के लिए कुंड बनवाने की कहा। महिलाओं को भी अपने घरों में कम पानी बरतने की सलाह दी ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके। भविष्य में होने वाले जल संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से अटल भूजल योजना के तहत गांव में जल बचाओ अभियान चलाया गया। टोहाना में प्रदेश सरकार जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। किसान भी जैविक खाद को लेकर जागरूक हो रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के फसलों पर दुष्प्रभाव के चलते जैविक खेती को अब टोहाना में भी बढ़ावा मिलने वाला है। जैविक उत्पाद पूर्णतः विष रहित होते हैं जिससे सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। बायोगैस संचालक दीपक कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया है कि उनका इस क्षेत्र में आना किसी चमत्कार से कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ के दो अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारकर दो दलालों को लिंग जांच करते रंगे हाथों पकड़कर उनके कब्जे से 30,000 रुपए बरामद किए। स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्रवाई फर्जी ग्राहक के माध्यम से की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पूरी घटना का वीडियो बनाया और फिर दोनों दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई जारी है और कागजातों की जांच चल रही है। फिलहाल टीम ने अल्ट्रासाउंड सेंटर की मशीन को सील कर दिया। गुरुग्राम के बादशाहपुर सेक्टर 68 की सड़क पर चलती लग्जरी कार में भयंकर आग लग गई। कार चालक ने टूटकर जान बचाई। सुनसान सड़क पर कार घंटों तक चलती रही। दमकल विभाग और पुलिस को कई घंटों के बाद आग की सूचना मिली। आग लगने के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। घटना देर रात 12 बजे के बाद बताई जा रही है। सोनीपत कुंडी बॉर्डर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। पंजाब के 32 जत्थेबंदियों की बैठक हुई है सिंघू बॉर्डर पर। बैठक में लोकसभा में कृषि कानून वापसी समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। सोहना में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को एक सीनियर छात्र ने पीट दिया। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सीनियर छात्र को शिकायत की। सीनियर छात्र ने अपने बाहरी दोस्तों के साथ मिलकर जूनियर छात्र को बुरी तरह से पीटा। आरोपियों ने छात्र पर लगातार वार किए जिससे उसे सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र के पिता ने बताया कि वो पुलिस में लगातार 3 दिन से चक्कर लगा रहा है। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उन पर राजीनामे का दबाव बना रही है। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि झगड़े में पार्षद के बेटे भी शामिल हैं जिसकी वजह से पुलिस दबाव में काम कर रही है। वहीं उसे भी उन लोगों से पूरी तरह से जान का खतरा बना हुआ है।
उत्तरी भारत में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अब घरों में गर्म पानी की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन बिजली, कोयला और गैस के दाम अधिक होने से आम आदमी को परेशानी हो रही है। गर्म पानी के लिए सस्ते और वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसी के चलते लोग गर्म पानी करने के लिए गर्म पानी करने की भट्टी का प्रयोग भी कर रहे हैं। तोशाम के लोगों का कहना है कि सर्दी में गर्म पानी के बगैर कोई भी काम नहीं हो पाता, चाहे नहाना हो, बर्तन साफ करना हो या कपड़े धोने, यहां तक कि पीने के लिए भी गर्म पानी का प्रयोग करना पड़ता है। भिवानी में विधायक घनश्याम सर्राफ की ओर से भिवानी सामान्य अस्पताल का दौरा किया गया। विधायक ने अस्पताल में सुविधाओं का जायजा भी लिया, इसी के साथ क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं इसको लेकर भी संज्ञान लिया है कि और क्या क्या सुविधाएं यहां पर दी जा सकती हैं। अस्पताल के वार्डों का भी निरीक्षण किया, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की। विधायक ने कहा कि अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी हासिल की है। विधायक ने बताया है कि मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, कुछ डॉक्टर की कमी है जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि इसे लेकर वो जल्द ही स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करेंगे। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए ब्लड की मशीन को जल्द चलवाने का प्रयास भी किया जाएगा। फतेहाबाद में कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से चिंता में डाल दिया। कोरोना के नए वेरियंट के खतरे को देखते हुए सरकारें भी अलर्ट हो गई। स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से कोरोना की सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं, साथ ही अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कोरोना जांच आवश्यक रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए। नागरिक अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर शरद ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग का दायरा बढ़ाकर एक दिन में 1200 से 1500 तक जाने के आदेश जारी किए। पलवल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है और घायलों को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुड़गांव में सफाई को लेकर पार्षद अश्विनी शर्मा ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी जनता का पैसा कार्यक्रमों में बर्बाद कर रहे हैं। पूरा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील है, जिसके बाद भी ये स्वच्छ भारत की बात करते हैं। पार्षद अश्विनी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश का सबसे ज्यादा बजट वाला निगम होने के बाद भी यहां सफाई कर्मियों के पास सामान तक नहीं है, जिसके चलते उन्हें काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नील गुप्ता ने सेक्टर 16 में दयानंद स्कूल के नजदीक सड़क के किनारे इंटरलॉक टाइलिंग लगाने के कार्य का शुभारंभ किया और उन्होंने लोगों को स्वच्छता को लेकर भी जागरूक किया। इस कार्यक्रम के संयोजक बीजेपी अजरौंदा मंडल अध्यक्ष कुलदीप सहानी और स्थानीय आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने विधायक नवीन गुप्ता का स्वागत किया और क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने अजरौंदा मोड़ पर आने वाले सभी वाहनों के लिए रिफ्लेक्टर को जरूरी कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने का काम कर रही है। ट्रैफिक एसपी ने खास बातचीत में कहा है कि यह अभियान लगातार चलता रहेगा, साथ ही रोड पर घूमने वाले आवारा पशुओं के सींगों पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाएगा ताकि कोई हादसा ना हो पाए। जुराना क्षेत्र में पिछले कई महीनों से लगातार अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों की ओर से किए जा रहे कार्यक्रमों में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें दूसरे धर्म के लोगों की ओर से हिंदू धर्म के लोगों को धर्म से संबंधित जानकारियां उपलब्ध करवाई जा रही है। जुराना क्षेत्र के स्थानीय पार्षद और बजरंग दल के सदस्यों की ओर से ऐतराज किया गया और कार्यक्रम के आयोजकों को कार्यक्रम बंद करने के लिए कहा गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस की ओर से स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी।
नारनौल में एक परिवार जो आर्थिक रूप से अब तक विकास की दौड़ में पीछे था, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए उद्देश्य से नारनौल में एक बड़ा कदम उठा गया। अंत्योदय मेले की सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 29 और 30 नवंबर को लघु सचिवालय के नजदीक सभागार भवन लगने वाले इस दो दिवसीय मेले के प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए सभागार भवन में मॉक ड्रिल की गई। करनाल के नीलोखेड़ी के रहने वाले अमनदीप की हत्या मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी रविंद्र कौर, प्रेमी सन्नी और उसके दोस्त कुणाल को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मनी अभी फरार है। पुलिस तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर इनकी रिमांड हासिल करेगी। पुलिस ने बताया कि रविंद्र कौर का अंबाला के सन्नी के साथ स्कूल समय से अफेयर था और दोनों की शादी होने के बाद भी प्यार कम नहीं हुआ। रविंद्र कौर उर्फ रिम्पी ने अपने पति से बातचीत कर पूरी कहानी शादी के बाद ही बता दी थी। अमनदीप ने भी उसको सन्नी के साथ बातचीत की अनुमति दे दी थी। कोरोना के बदलते स्वरूप को लेकर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग खासा सतर्क हो गया। गुरुग्राम के सिविल सर्जन वीरेंद्र यादव ने निजी अस्पतालों और लैब संचालकों के साथ एक बैठक कर उन्हें सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी दी। सिविल सर्जन ने कहा है कि गुरुग्राम मेडिकल टूरिज्म का हब है और ऐसे में सभी अस्पताल जहां पर विदेशी मरीज आते हैं उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। हालांकि गुरुग्राम में अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया। हिसार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हिसार ऑटो मार्केट व्यापारी से 25 लाख रुपए की कौती मांगी गई, उसको हिरासत में ले लिया गया है। हिसार के SP कम DIG ने जानकारी दी है कि कौती मांगने वालों में दो युवक शामिल थे, जिसमें से एक को हिरासत में ले लिया गया, जिनमें डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड डेंगू ने तोड़ दिया है। 2015 में 600 से ज्यादा केस सामने आए, 2021 में अब 550 से ज्यादा केस सामने आए। हर रोज झील के सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिविल अस्पताल में स्पेशल डेंगू के वार्ड बनाए गए हैं। डिप्टी CMO डॉक्टर गोपाल गोयल का कहना है कि मरीजों के वार्ड में मच्छरदानी भी लगाई गई है ताकि मच्छरों से मरीजों को बचाया जा सके। ये मच्छर साफ पानी में पनपता है और अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया है। नई गाइडलाइंस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने बैठक बुलाई, इंटरनेशनल ट्रैवलर पर पूरा फोकस किया। दूसरे देशों से आने वाले ट्रैवलर को टेस्ट के लिए कहा जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने पर आइसोलेट किया जाएगा, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, फिर से दोबारा टेस्ट होगा। इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए गाइडलाइंस दी गई। कमिश्नर कृष्ण कुमार ने पलवल के डिप्टी ने, जबकि संचालन कल्याण मंत्री बनवारी लाल, जाति और पिछड़ा वर्ग सहकारिता अनुसूचित अध्यक्षता राज्य के, आपको बता दें कि इस प्रथला में प्रदूषण के मामलों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। प्रदूषण का आंकड़ा यहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। EQI का लेवल भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रथला में प्रदूषण को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहां पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं और ना ही इस पर रोक है। यही वजह है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार यहां पर बढ़ रहा है। अंबाला में रेलवे लाइन पर एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस इस शव की शिनाख्त कर रही है। हिसार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि हिसार पुलिस ने फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि फिरौती मांगने वाले इस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब इससे पूछताछ की जाएगी और इससे और भी खुलासा होने की उम्मीद है। नारनौल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सब डिवीजन यूनिट के प्रधान रोहता शर्मा ने कहा है कि राज्य कमेटी के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जन विरोधी काम कर रही है और बिजली बोर्ड को बेचना चाहती है, बिजली निगम को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। चरखी दादरी में सरकारी अफसर पर गंभीर आरोप लगाए गए। आपको बता दें कि चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है। प्रशासन को ग्रामीणों ने ये ज्ञापन सौंपा जिसमें कहा कि गांव की सार्वजनिक जमीन को लेकर भी करते हैं। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ 2 दिसंबर को जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2021 का शुभारंभ होगा। विद्वान ब्राह्मणों और जयराम संस्थाओं की ओर से इसका शुभारंभ किया जाएगा। आपको बता दें कि 40 सालों से यह परंपरा चली आ रही है, 40 सालों से यह परंपरा चल रही है। इसके साथ ही जयराम विद्यापीठ में मंदिरों की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। मीडिया प्रभारी ने बातचीत करते इस बात की जानकारी दी है। कैथल में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। प्रदर्शन ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के तत्वाधान में किया गया। कर्मचारियों का आरोप था कि सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर संजीदा नहीं है। हिसार में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी वेव से अभी से देश उभरा नहीं था कि अब नए वेरियंट ओमिक्रॉन ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी और इसीलिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि इसका ध्यान रखा जाए। लोगों से कहा गया है कि लोग नियमों का पालन करें ताकि नए वेरिएंट को किसी भी सूरत में देश और प्रदेश में नहीं घुसने देना है। इसके साथ ही हिसार जिले में कोरोना के 2 मामले एक्टिव हैं। पानीपत में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली की लाइन ठीक करते वक्त एक कर्मचारी को करंट लग गया और कर्मचारी ट्रांसफर पर जा गिरा। कर्मचारी का शव काफी दूर जाकर मिला। परिजनों ने अब उचित कार्रवाई की मांग की है। हादसे की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि इसमें बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही रही है। वकीलों ने रजिस्ट्रियों को लेकर हुए विवाद और पिछले दिनों सिरसा के तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार और सिरसा के वकीलों में रजिस्ट्रियों को लेकर विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। सिरसा बार एसोसिएशन ने सिरसा के तहसीलदार पर मनमानी ढंग से रजिस्ट्रियां करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सिरसा के डीसी अनीश यादव ने भी मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। डीसी अनीश यादव ने इस मामले में जांच का आदेश जारी कर दिया और जांच का जिम्मा सौंप दिया है। पिछले दिनों सिरसा के तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार और वकीलों में रजिस्ट्रियों को लेकर विवाद हो गया था जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवाद समिति की मासिक बैठक का पटल पर 14 शिकायतों को रखा गया जिसमें से 12 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। समिति की बैठक में 6 शिकायतकर्ता थे वो मौजूद नहीं रहे। आपको बता दें कि इस दौरान 12 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।